गरियाबंद जिले के पोखरा निकट में एक युवक डूबा तो दूसरे युवक पर कार से गिरी भी गिरी, वहीं बाल बाल बचे पुलिस के जवान। दिल दला देने वाला मामला सामने आया है, राजीव थाना क्षेत्र के पोखरा निकट का है, जहां देर शाम रायपुर हमतराई से युवक घूमे पोखरा टीला निकट आए थे। रायपुर निवासी एस के चैतनिया नामक युवक गहरे पानी में डूब गया, जैसे इसकी सूचना राजीव पुलिस को मिली। तत्काल दल बल के साथ राजीव थाना प्रभारी विवेक बघेल पहुंचे और डूबे युवक की तलाश में जुट गई। तभी अचानक बारिश होने लगी और अचानक काशी बिजली भी गिरी, इसकी चपेट में आते ही वहीं खड़ा ग्राम टीला निवासी रघु साहू नामक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही आकाशीय बिजली की चपेट में आने से राजीव थाना प्रभारी विकास बघेल, एसआई विवेक सेगर सहित एक जवान घायल हो गया। हादसे के बाद पुलिस जवानों को राजीव सुधाई स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के बाद रायपुर रिफर कर दिया गया है। सभी घायल पुलिस जवानों की हालत अब ठीक बताई जा रही है। वहीं एनीगढ़ में डूबे युवक की लाश और आकाशीय बिजली से मृत युवक की लाश को सुबह दूसरे दिन गोताखोरों के माध्यम से बरामद कर लिया गया है। मामले में राजीव पुलिस विवेचना में जुटी है। राजीव थाना क्षेत्र अंतर्गत पोखरा एनीकट में महानदी में एक युवक के डूबने की सूचना पर कल शाम को हम राजीव टीआई अपने बल के साथ वहां पहुंचे थे। इसी बीच गुम और डूबे हुए युवक की खोजबीन की जा रही थी, अचानक बिजली गिरने से एक अन्य युवक वहां उपस्थित था, उसकी वहां पर गाज लगने से मृत्यु हो गई और साथ में पुलिस थाना प्रभारी विकास बघेल के अन्य तीन साथी वहां घायल हुए, उनको तत्काल प्राथमिक चिकित्सा के लिए राजीव लाया गया। उसके बाद और चिकित्सा के लिए उनको रायपुर रेफर किया गया। अब क्या स्थिति है सर उनकी? अभी चारों नॉर्मल हैं और